So guys, finally new video to come. देखते शैंक्स की death. अगर तुम एक One Piece fan हो तो शैंक्स should be one of your favorite character. वो तो है. कोई भी One Piece fan deny नहीं कर पाएगा. यहाँ पर ओरा ने पूरे शैंक्स character को एक mystery बना के रखा है जिसके बारे में हम लोगों को कोई idea नहीं है because इसको बहुत ही ज़्यादा कम दिखाया जाता है. यहाँ पर शैंक्स के बारे में ऐसे बहुत सारे facts हैं जो जानने के लिए हम लोग पागल है but we're not getting it. यहाँ पर मैंने decide किया क्यों ना एक video बस शैंक्स के ऊपर बनाया जाए जहाँ पर हम लोग A to Z खोल के शैंक्स के बारे में बातचीत करेंगे और जितने सवाल दिमाग के अंदर सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करेंगे. अगर तुम्हारे मन में सवाल आता है शैंक्स ने यार ये डेविल फ्रूट चोरी क्यों किया था, क्या शैंक्स को ऑलरेडी पता था निका फ्रूट के बारे में, शैंक्स ने गुरु से के साथ क्या बातचीत किया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये वाला पैनल जब शैंक्स ने बोला कि टाइम आ चुका है वन पीस को क्लेम करने का, इसका मतलब क्या बनता है? यहाँ पर तुम लोगों को कैसा लगा अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि शैंक्स को ऑलरेडी वन पीस के बारे में सब कुछ पता है? वो तो है, वो नहीं चाहता कि वो वन पीस को खुद क्लेम करे, बट हियर शैंक्स वांट्स लूफी टू क्लेम द वन पीस. तो चलो ए टू ज़ेड यहाँ पर खोल के हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. तो शुरू करने से पहले मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, चैनल पर सब्सक्राइब करो, ऑल पे सेट कर दो अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है तो. अरिगातो गोज़ाइमस. यहाँ पर पहला सवाल, शैंक्स ने डेविल फ्रूट को चुराया क्यों? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम लोगों को पीछे गॉड विले में वापस जाना पड़ेगा. जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा शैंक्स मिला था रॉजर के शिप में एक चेस्ट के अंदर जो गॉड विले से लिया गया था. जो गॉड विले के चेस्ट है इसके अंदर हम लोगों को ऑलरेडी पता है इवेंट के प्राइजेस से जो ऑलरेडी हम लोगों को दिखाया गया था, रैबिट हंटिंग गेम जहां पर सारे के सारे लोगों सेलेस्टियल वाले मार रहे थे. आई होप तुम लोग नहीं भूले यार. अब जैसे मैंने बोले सारे के सारे इवेंट के चेस्ट में थे प्राइजेस, एंड मोस्ट लाइकली जो प्राइजेस है इनमें थे यार डेविल फ्रूट. सो हम लोग ऑलरेडी पता है वहां पर मारपीट शुरू होने के बाद हमारा कुमा एंड इवान मिलकर दो डेविल फ्रूट चुरा लिया. एक तो कुमा खुद खा गया जिससे वो पापो एबिलिटीज को मिल गई, एंड दूसरा इवान खाने वाला था बट तब भी जाके बिग मॉम आ गई एंड वो डेविल फ्रूट लेके कायदो को दे दिया. अब ये सब देखने के बाद आई बिलीव की जो चेस्ट है प्राइजेस के इनमें से एक चेस्ट के अंदर गोमो गोमो नोमी था जिसको इवेंट का प्राइस रखा गया. शैंक्स ने शायद वो चेस्ट खोल ली एंड वो जो डेविल फ्रूट है वो भाग गया. हम लोगों को पता है डेविल फ्रूट का एक अपना विल है, इसके बारे में आगे वीडियो में बात करूंगा बट अभी के लिए लेट्स स्टिक टू द पॉइंट. हम लोगों को पता है शैंक्स चेस्ट के अंदर चला गया एंड वो चेस्ट लेकर रॉजर पायरेट चला गया बिकॉज उन लोगों को लग रहा था ये गोमो गोमो नोमी है. डीप डाउन हम लोगों को पता है उसके अंदर वो फ्रूट एक्चुअली में नहीं था, वहां पर था शैंक्स. नंबर ये कांड होने की वजह से जो रॉजर है वो जॉय बॉय नहीं बन पाया बिकॉज रॉजर गोमो गोमो नोमी फ्रूट नहीं खा पाया एंड ये सब हुआ शैंक्स की वजह से. यहां से हमारे सामने अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता है कि रॉजर जब लव टेल से वापस आया था, हम लोगों को पता है शैंक्स रॉजर को पूछा था अबाउट लव टेल एंड रॉजर ने कुछ ऐसा बोला था जो सुनने के बाद शैंक्स बहुत ज्यादा रो रहा था बट वहां पर रॉजर हंस रहा था जोर जोर से. अब रॉजर के हंसने पे और शैंक्स रोने के पीछे द रीजन इज सो ऑब्वियस बिकॉज रॉजर वाज टू अर्ली एंड ही इज नॉट द जॉय बॉय. जो सुनने के बाद शैंक्स ने मोस्ट ऑफली अपने आप को ब्लेम किया बिकॉज उसको लगता है सब कुछ उसकी वजह से हुआ एंड ही स्टार्ट्स क्राइंग. और हम लोगों को पता है रॉजर तो बच्चे को ब्लेम नहीं करने वाला एंड ही वाज लाफिंग. फिर हम लोगों ने रॉजर को बोलते हुए सुना कि हम लोग को ज्यादा यहां पर जल्दी आ गया और वहां पर कोई पूछ रहा था तुमको क्या लगता है वन पीस कौन ढूंढने वाला है. इसी प्लान में रॉजर ने वहां पर बोला था ऑफकोर्स मेरा बेटा वन पीस को ढूंढेगा. अगर तुमसे जितने लोगों ने वन और बहुत ही अच्छे से देखा है तुम लोगों को शायद याद होगा यामाटो को भी लगा था जो ओडन है उसने एस के बारे में बोला था कि कोई फ्यूचर में आएगा आने के बाद सब लोगों को लीड करेगा. यामाटो को लगा था वो एस है. यहां पर ये सरप्राइज होने वाली बात नहीं कि शैंक्स को भी लगे जो जॉय बॉय है दैट वाज सपोज्ड टू बी एस. अब यहां पर एस किंग ऑफ पायरेट का बेटा तो कोई भी अपने सारे पैसे उसके ऊपर लगा देगा आके बंद करके. तो उसके बाद आगे शैंक्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग पायरेट बना और जो गोमोगोमो फ्रूट है जो सीपीएन वाले प्रोटेक्ट कर रहे थे उन लोगों से चोरी कर लिया. अब यहां पर तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो गोमोगोमो चोरी किया इसका जो इंटेल इन्फॉर्मेशन है उसको कहां से मिला होगा. मेरे को जितना लगता है वो मिला होगा साइड से. हम लोगों ने पहले भी शैंक्स उनके साथ बातचीत करते हुए देखो सोटना बैठना होगा शायद. यहां पर हम लोगों को इतना पता शैंक्स खुद एक सेलेस्टियल ड्रैगन है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो एक खुद होली नाइट भी हो. क्या पता ओडा जिस तरह से रिवील कर रहे तो रिवील हमारे सामने फ्यूचर आ सकता है. फिर आगे शैंक्स गोमोगोमो फ्रूट को चोरी करके फूश आइलैंड पे गया था जहां पर एक्चुअली में एस रहता था. शैंक्स को तो ये फ्रूट एस को देना था बट उससे पहले उसने लूफी के साथ मिल लिया जिसने ये फ्रूट गलती से खा लिया जो एक्चुअली में एस के लिए था. अब आगे लूफी गोमोगोमो फ्रूट खाने के बाद शैंक्स से पूरे क्रूमेट शॉक हो गया बिकॉज दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये बच्चा ये तभी शॉक आ गया बिकॉज ये जो फ्रूट था उसके लिए था ही नहीं, ये एस के लिए था. अभी पर जो भी हो तकदीर में तो कुछ ऐसा ही लिखा था कि जो लूफी है वो ये गोमोगोमो फ्रूट को खाएगा बिकॉज ही वाज द वन हु इनहेरिटेड जॉय बॉयस विल. और यहां पर हम लोग को ऑलरेडी पता है जो जोन डेविल फ्रूट है उनकी अपनी खुद की मर्जी है. तो यहां पर जो निकट डेविल फ्रूट है उसने खुद लूफी को चूज किया. अब यहां पर तो लूफी ने गलती से डेविल फ्रूट को खा लिया बट शैंक्स को क्यों लगा कि यार लूफी कुछ कर सकता है. वो पहले तुम लोगों को याद है जब लूफी ने शैंक्स को वो सेम बात बोला था जो रॉजर ने शैंक्स को बोल के रखा था और ये सेम वर्ड शैंक्स को बहुत ही सरप्राइज किया था जो शैंक्स ने ऑलरेडी रेली को बता के रखा था. सबके बाद आगे शैंक्स ने क्या किया हम लोगों को पता है, उसने अपने सारे पैसे लूफी को ऊपर लगा दी, अपना एक हाथ जानबूझ के खत्म कर दिया लूफी के सामने, अपना टोपी लूफी को दिया लूफी को मैनिपुलेट करने के लिए. होता है ना छोटे से बच्चे को समझाने के लिए देखो मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया तुमको ये बनना ही है. अभी से लूफी के दिमाग में आइडिया मेरे को किंग ऑफ पायरेट बनना है, अपना एक क्रूमेट बनाना है. लूफी के इन सबके पीछे जो सीड है ना दैट वाज शैंक्स. आगे तो हम लोगों को पता है लूफी ने अपने निका पावर को अवेकन किया एंड ही अपीयर्ड ऑन बाउंटी पोस्टर. तो शैंक्स देखने के बाद स्माइल कर रहा था जस्ट लाइक ए प्राउड डैड. उसकी स्माइल देख कैसे लग रहा था कि ही वाज प्राउड की जो फ्रूट है ये लूफी ने खाया. तो यहां पर हमारा अकादमी शैंक्स एकदम से सक्सेस हो गया था बिकॉज उसने दोबारा जॉय बॉय को दुनिया में वापस बुला लिया था. एंड फाइनली जो प्रॉमिस ने रॉजर को करके रखा था वो उसने फुलफिल होते हुए देखा अपनी आंखों से. ये स्माइल देखने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाता है, वो प्राउड वाली बात है स्माइल के अंदर. एंड वापस शैंक्स बाउंटी पोस्टर देखने के बाद क्या बोला, लेट्स क्लेम द वन पीस. यहां पर हम लोगों को पता है जॉय फाइनली वापस आ चुका है. नाउ इट्स फाइनली पॉसिबल टू गो आफ्टर वन पीस. शैंक्स ने पर तब तक वेट किया जब तक जॉय बॉय वापस नहीं आया. आफ्टर ऑल वहां पर बहुत पुरानी एक प्रोफेसी थी कि टू किंग विल बॉर्न एंड हियर दे आर जॉय बॉय एंड शिराहोशी. अब यहां पर जितने सारे चीजें होने थे सारे के सारे चीजें हो गए, अब सब कुछ फ्री है. शैंक्स वन पीस को क्लेम करने के लिए रेडी बट यहां पर अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि शैंक्स यहां पर खुद वन पीस को क्लेम करने की बात नहीं कर रहा है, वो यहां पर लूफी की बात कर रहा है कि क्या ये लूफी का भी टाइम नहीं होगा वन पीस को क्लेम करने का? कैसा साउंड करेगा भाई? मेरी बात सुनकर तुम लोगों को हैरानी लग सकती है बट मेरे को जितना लगता है शैंक्स को वन पीस चाहिए ही नहीं, वो वन पीस को उल्टा प्रोटेक्ट कर रहा है, वो खुद वन पीस को गेट कीपिंग कर रहा है. चलो यहां पर इसके बारे में थोड़ा खोल के डिस्कशन करते हैं. अगेन यहां पर शुरू में ये वाला पैनल हमारे सामने इंपॉर्टेंट है. अब यहां पर ये पैनल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मेरे को लगता है रॉजर ने शायद शैंक्स को बुला उसका जो विल है वो शैंक्स को कैरी आउट करने के लिए या फिर एक ऐसे बंदे को ढूंढने के लिए जो रॉजर को सरपास करके जॉय बॉय बनेगा. क्यों रॉजर की कन्वर्सेशन में पता चलता है कि रॉजर वहां पर कुछ ज्यादा जल्दी आ गया था, जॉय बॉय वहां पर नहीं था एंड रॉजर बोलता है कि उसका बेटा ये क्लेम करने वाला. अब ऑफ कोर्स वहां पर इस बात शैंक्स बहुत ज्यादा सैड तो हो गई बिकॉज़ उसका जो कैप्टन है रॉजर वो अपने पर्पस फुलफिल नहीं कर पाया भाई. एंड हियर नो वन नो व्हाई बगी वाज एक्चुअली अपसेट ऑफ शैंक्स बिकॉज़ शैंक्स जो है वो नेक्स्ट जनरेशन का किंग बनने से मना कर दिया था. बल्कि उसने ये बोला होगा वो रॉजर का विल को कैरी आउट करेगा एंड जो नेक्स्ट जॉय बॉय उसको वो गाइड करेगा टू सील द फेट. अब यहां पर जैसे मैं तुमको ऑलरेडी बोल के रखा है शैंक्स गोमोगोमो फ्रूट को चोरी करके एस को देने वाला था जो रॉजर का बेटा है, बट यहां पर ये बात एकदम से क्लियर नहीं है कि उसको पहले से पता था जो रॉजर का बेटा है वो एस ही है. ऐसा हो सकता है कि वो लुकिंग फॉर एस जो रॉजर का बेटा है, बाद में जाके रॉजर के बेटे के
साथ मिला तब तक बहुत देर हो गई थी बिकॉज़ लूफी ने ऑलरेडी वो फ्रूट खा लिया था एंड शैंक्स ने वहां पर लूफी को एक्सेप्ट भी कर लिया था बिकॉज़ लूफी ने वो सेम वर्ड बोला था जो रॉजर ने बोल के रखा जो ऑलरेडी मैंने बताया एंड रॉजर दोनों एक साथ शेयर करता है जब रॉजर अपने ड्रीम के बारे में व्हाइट बियर्ड एंड ओडिन को बोला था वो दोनों एकदम से अलग रिएक्शन दी एंड वी गॉट द सेम रिएक्शन फ्रॉम साबो एंड एस जब लूफी ने अपना ड्रीम उनके साथ शेयर किया था जब शैंक्स और रॉजर एंड लूफी का ड्रीम सेम लगा जब शैंक्स ने अपना हेड लूफी को दे दिया जो रॉजर ने शैंक्स को दिया था एक्चुअली लूफी को तो किंग ऑफ पायरेट बनने के लिए मोटिवेट करते वन पीस ढूंढने के लिए मोटिवेट करते जैसे मुगीवार एंड लूफी जो पैनल है ये बहुत ट्रिकी पैनल है जो देख के शायद हम लोग को लग रहा है कि शैंक्स खुद क्लेम करने की बात कर रहा है वन पीस बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है इन रियलिटी इट्स मोर लाइक शैंक्स इतने टाइम तक वन पीस को प्रोटेक्ट कर रहा था एंड जब अभी फाइनली लूफी ने अवेकन कर लिया अपने निकाला वो बोल रहा है अभी लूफी के लिए वन पीस क्लेम करने का टाइम आ चुका है अभी शैंक्स वन पीस को प्रोटेक्ट कर रहा है इसका मतलब वन पीस लाके लूफी को देते हैं ऐसा डिटेल्स में थोड़ा बात करते हैं यहां पर शैंक्स जो वेपन यूज करता है दैट इज क्लासिफाइड एज अ सबर जिसका नाम है ग्रिफन और ये जो ग्रिफन है ये एक मिथोलॉजिकल क्रिएचर है जिसका सर एंड विंग एकदम ईगल की तरह है बट जो बॉडी बैक एंड टेल है वो एकदम शेर की तरह है अब यहां पर जो विंग्स है ये रिप्रेजेंट करता है नोबिलिटी एंड यहां पर जो लायन की तरह बॉडी है ये रिप्रेजेंट करता है पावर तो यहां पर शैंक्स एंड ग्रिफन के बीच में वो सिमिलरिटीज हम लोग देख सकते हैं अब कैसे सिमिलरिटीज है ये शायद तुम लोगों को ऑलरेडी पता चल गया शैंक्स के अंदर सेलेस्टियल ड्रैगन का खून है ऐसा बोला जाता है कि शैंक्स फीगलैंड का बेटा है यहां से नोबिलिटी प्रूव हो गई एंड हियर इफ आई टॉक अबाउट द पावर क्या मेरे को सच में बोलना चाहिए सारे वन पीस फैन पावर की तो जरूरत ही नहीं है बोरोसाई फ्लीट एडमिरल भी शैंक्स को मानता है भाई यहां पर जो ग्रिफन्स है ना इनको बोला जाता है द गार्डियंस ऑफ ट्रेजर्स और वैल्यूएबल्स यहां पर ग्रिफन को एज अ प्रोटेक्टर कंसीडर किया जाता है आल्सो सिंबल्स ऑफ वॉचफुलनेस अब यहां पर ग्रीक मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो ग्रिफन्स है वो एकदम दुनिया के कोने पर रहते थे और वो लोग गोल्ड कलेक्ट करते थे यहां पर मेरे को जितना लगता है जो शैंक्स है वो न्यू वर्ल्ड के एल्बफ में फाइनल रोड पोने के लिए उसको गार्ड कर रहा है जो वन पीस है उसको गेट कीपिंग करके रखा है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है वो याद करो यहां पर ऑलरेडी शैंक्स वन पीस के लोकेशन के बारे में पता है क्यों ना यार वो रॉजर के साथ सेम शिप पर थे और लोगों ने अपने शिप में चार रोड पोने के लिए उसको एक साथ इकट्ठा करके जो वन पीस का एग्जैक्ट लोकेशन है ना वो एकदम से ढूंढ लिया था अगर याद नहीं आ रहा तो मैं तुमको बोलूंगा चैप्टर 967 जाकर रीड कर लो तुम लोगों को पता चल जाएगा एंड वहीं पर सडनली बग्गी एकदम से बीमार हो जाता है और शैंक्स डिसाइड करता है कि वो नहीं जाएगा इंस्टेड वहां पर शैंक्स डिसाइड करता है वो एक दिन खुद अपना जर्नी स्टार्ट करेगा टू लफ्टे लेकिन वहां पर शैंक्स का रॉजर के साथ वो कन्वर्सेशन होने के बाद मोस्ट ऑफली शैंक्स ने अपना इरादा बदल लिया वो लफ्टेल में जाने के पर्पस को वो चेंज करके जॉय को गाइड करने का पर्पस चुन लिया एंड वहां पर खुद बन गया था प्रोटेक्टर ऑफ वन पीस जब तक लूफी वहां पर लफ्टेल में ना पहुंचता है अब पर ये पैनल देखने लाफ्टेल में हो जाता है कि शैंक्स इज द वन हु विल ब्रिंग द राइस टू द न्यू जॉय ब्लैक बियर्ड बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज उसको लग रहा था कि जो रॉजर ने बात किया अबाउट दैट बॉय जिसके नाम में वो डी है वो ब्लैक बियर्ड है बिकॉज उसके नाम में भी डी है बट वहां पर व्हाइट बियर्ड तो कंफर्म कर ही देता है आगे इस वाले पैनल से हम लोगों को ये भी पता लग जाता है पता चल रहा है शैंक्स डी करके कुछ है शैंक्स का ब्लैक बियर्ड को अपोज क्यों करता है हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग से देखा शैंक्स बहुत टाइम से ब्लैक बियर्ड के ऊपर इंटेलिजेंस को गैदर कर रहा है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है यहां से हम लोग को पता चल जाता है कि शैंक्स ब्लैक बियर्ड के साथ फाइट करने के लिए एकदम से रेडी है एंड इन फ्यूचर हम लोग देखने वाला है शैंक्स वर्सेस ब्लैक बियर्ड आई होप तुम लोगों को याद है ओडन जंप फेस था 2024 में क्या बोला था दैट मैन वर्सेस दैट मैन और ये इंडिकेट करता है ब्लैक बियर्ड वर्सेस शैंक्स जैसे मैं तुम लोग ऑलरेडी यहां पर बता के रखा शैंक्स यहां पर वन पीस को गेट कीपिंग करके रखा प्रोटेक्ट करके रखा जब तक लूफी वहां पर लफ्टेल में ना पहुंचता है तो ऐसे मेरे को जितना लगता है शैंक्स विल एंड अप फाइटिंग ब्लैक बियर्ड और ये सारे के सारे वन पीस फैंस को पता है शैंक्स वर्सेस ब्लैक बियर्ड पायरेट्स हम लोग बहुत ही जल्द देखने ही वाले हैं हम लोगों ने देख रखा था मरीन फोर्ट के अंदर ब्लैक बियर्ड ने शैंक्स और उसके क्रूमेट को बोला था हम लोग तुम्हारे साथ अभी फाइट करने के लिए रेडी नहीं है बट हियर आई बिलीव वन पीस का जो फाइनल वार होने वाला है वहां पर लूफी एंड शैंक्स शायद एक साथ मिलकर ब्लैक बियर्ड के अगेंस्ट फाइट करेंगे एंड वहां पर ब्लैक बियर्ड विल डेफिनेटली किल शैंक्स फॉर श्योर या फिर ऐसा भी हो सकता है बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर दे एंड जो हेड रिटर्न करने वाला मोमेंट होने वाला है उसमें हम लोग रोने वाले हैं भाई जस्ट इमेजिन द रिएक्शन ऑफ लूफी उसका रिएक्शन ब्रो मैं रो दूंगा क्योंकि वो रेस्ट ऑफ द आर्क हंसने भी वाला है जब तक वो ब्लैक बियर्ड को नहीं मारेगा और इससे एक और रीजन लूफी को मिल जाएगा ब्लैक बियर्ड को मारने के लिए क्योंकि जब फाइनल सागा स्टार्ट होता है तब ओडा ने खुद बोला था कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स मरने वाला है ताकि तुम लोग बताओ यार व्हाट यू थिंक अबाउट एंड बिग शाउट टू फाइनली एंड शैंबल्स ऑन ट्विटर बाकी अगर थ्योरी वाली वीडियो तुम एंजॉय करते हो एंड इन फ्यूचर भी चाहते हो तो मेरे को बता देना ऑफ कोर्स कमेंट पर अपना ओपिनियन बताना वीडियो यहां तक देख रहा हूं अंगूठा लगा देना चैनल पर सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करने का तो अपने घंटे से लगा के ऑल पर सेट कर दो मन करे तो इंस्टाग्राम पे आ सकते हो ट्विटर पे आ सकते हो फेसबुक पर आ सकते हो हर जगह चलो थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।